हेलो एवरीवन। सो एज वी ऑल नो कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन एटलीस्ट 20 to 30 इमेज बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही हैं नीट में या एनी सेट में, है ना। एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का बेनिफिट ये भी है आपके लिए कि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। जब आप इमेजेस देखते हो तो जो चीजें आप थियोरेटिकली पढ़ रहे हो वो इमेजेस से आपके माइंड में भी एक इमेज बनती है, एंड डेफिनेटली आपको इमेजेस से थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि हाँ हाउ द थिंग्स आर एंड हाउ दे आर डिस्कस्ड। ओके, सो आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट दिस न्यू सीरीज दैट इज इमेज बेस्ड डिस्कशन। इन दिस आई डिस्कस वन इमेज और उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। मोस्टली इट विल टेक अराउंड 3 to 4 मिनट्स। सो अगर मेरे को इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आई कंटिन्यू दिस सीरीज अलॉन्ग विद माई PYT एंड पूरी तरह लटो सीरीज। ओके, एंड जो लोग इस बार ये सोच रहे हैं कि इस बार प्रिपेयर नहीं करते, अगली बार एग्जाम देंगे अच्छे से, या इस बार सोच रहे हैं कि बस एग्जाम दे देंगे नेक्स्ट टाइम सीरियस होकर एग्जाम देंगे, उनको भी मैं कहूंगा कि आप इन तीनों सीरीज को बहुत अच्छे से देखें। सो आई विल मेक श्योर कि आपके 40-50 क्वेश्चंस तो इन तीनों सीरीज से ही आ जाएंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस डिस्कशन। दिस इज द फर्स्ट इमेज एंड व्हाट इज शोन हियर इज अ बूट शेप्ड हार्ट। यू कैन सी दिस इज लुकिंग लाइक अ बूट शेप। इट इज सीन इन टॉप टेट्रालॉजी ऑफ फेलोर। टॉप में और क्या मिलता है? वन इज दिस बूट शेप्ड हार्ट बिकॉज ऑफ ये एपेक्स जो है अपटर्न हो गई है बिकॉज ऑफ RVH। ओके, अदर देन दैट वी कैन सी कि पल्मोनरी में ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स इतनी अच्छी नहीं दिखती। दैट मीन्स देयर इज पल्मोनरी ओलिगीमिया। व्हाई? बिकॉज देयर इज पल्मोनरी स्टेनोसिस इन टॉप। पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। सो पल्मोनरी ओलिगीमिया मिलता है टॉफ में। सिंस पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम होगा तो एक तो हार्ट फेलियर नहीं मिलता टॉफ के पेशेंट में, और लंग इन्फेक्शंस रिपीटेडली एंड रिपोर्टेड निमोनियास टॉफ के पेशेंट्स में नहीं मिलते। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट टॉफ। व्हाट आर द फोर कंपोनेंट्स ऑफ टॉफ? सो वन इज RVH, अनदर वन इज पल्मोनरी स्टिनोसिस विच इज मोस्टली सब वेल्बुलर या इनफंडिबुलर स्टिनोसिस भी बोलते हैं उसको। देन वी हैव लार्ज मेम्ब्रेनस VST, एंड देन वी हैव ओवरराइडिंग ऑफ आउटर। तो ये चारों कंपोनेंट आपको याद रखने हैं। इस पे क्वेश्चन आ सकता है ना ऐसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ टॉप। ओके, अदर देन दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट आउट ऑफ ऑल दिस फोर इज पल्मोनरी स्टेनोसिस। ओके, तो जितना सीवियर PS उतना सीवियर टॉफ, है ना, जितना कम सीवियर PS उतना कम सीवियर टॉफ। ओके, अब टॉफ के पेशेंट मोस्टली विद इन 1 month प्रेजेंट करते हैं विद साइनोसिस। ओके, एट बर्थ साइनोसिस के साथ प्रेजेंट नहीं करते। साइनोटिक स्पेल्स क्या होते हैं? सो ड्यूरिंग साइनोटिक स्पेल्स क्या होता है? टॉफ के पेशेंट में साइनोसिस बढ़ जाती है। साइनोटिक स्पेल्स मोस्टली क्या होता है कि जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेशन होता है या इन्फेक्शन होता है, तो जैसे जो चाइल्ड है वो रो रहा है तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ। इन्फेक्शन है तब भी टैकीकार्डिया हुआ, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ। तो जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो जो सब वेल्बुलर PS है वहां पे स्पैज़म हो जाता है और वो PS की सीवियरिटी ट्रांजिएंटली बढ़ जाती है। तो सपोज दिस इज RA, RB, सॉरी RB, LA एंड LB। ओके, यहाँ दिस इज aorta, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज अ VST इन टॉप पेशेंट। अब अगर PS की सीवियरिटी बढ़ गई, ओके, तो क्या होगा कि जो ब्लड है वो अब इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा क्योंकि सीवियरिटी बढ़ गई है। तो नाउ ब्लड विल गो इनटू LV, तो राइट टू लेफ्ट शंट बढ़ जाता है। तो मोर डिऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गो इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड मोर इज द साइनोसिस। तो ड्यूरिंग साइनोटिक स्पेल्स जब बच्चा रोएगा या इन्फेक्शन होगा तो देर इज अ स्पैज़म ऑफ दिस पल्मोनरी स्टेनोसिस और उसकी वजह से राइट टू लेफ्ट शंट बढ़ जाएगा। एंड ड्यूरिंग दिस साइनोटिक स्पेल क्या हो रहा है? देर इज अ स्पैज़म ऑफ दिस पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो जो मर्मर थी
इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर ऑफ पीएस वो कम हो जाएगी। तो ड्यूरिंग साइनोटिक स्पेल्स मर्मर टॉफ में कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, नाउ हाउ वी कैन ट्रीट दिस साइनोटिक स्पेल। हम साइनोटिक स्पेल को ट्रीट करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज कि हम या तो इस साइड का भी प्रेशर बढ़ा दें, जहां पे भी रेजिस्टेंस बढ़ा दें, या इसका रेजिस्टेंस कम कर दें। ओके, तो वी कैन डू दिस बाय, पहले तो हम एक तो ऑक्सीजन दे सकते हैं। ओके, ऑक्सीजन देंगे तो जो बॉडी में सेचुरेशन कम हो गया है वो बढ़ेगा, स्पैज्म खुलने के चांसेस। अदर देन डेट वी हैव टू गिव सोडियम बाइकार्ब, क्योंकि डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बॉडी में जाएगा तो एसिडोसिस क्रिएट होगी, लैक्टिक एसिडोसिस, जस्ट टू न्यूट्रलाइज इट। नाउ देन आफ्टर दैट वी कैन गिव बीटा ब्लॉकर्स, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स कैन रिलीज द स्पैज्म ऑफ सब वेल्वुलर एएस पीएस। देन वी कैन गिव फिनाइल एफरीन। व्हाट इज फिनाइल एफरीन? फिनाइल एफरीन इज द अल्फा एगोनिस्ट। जब फिनाइल एफरीन देंगे तो सिस्टमिक वेसल्स में उनका वैसा कंस्ट्रक्शन होगा, तो सिस्टमिक साइड में भी प्रेशर बढ़ेगा, तो जो राइट टू लेफ्ट शंट था वो कम हो जाएगा। ओके, अदर देन दैट वी कैन गिव कीटामीन और मॉर्फिन। ये दोनों क्या है, दे रिलैक्स द पेशेंट, सिंपैथेटिक सिस्टम को डीएक्टिवेट करेंगे एंड ट्राई टू रिलीज द स्पैज्म। अगर इन सब मैनेजमेंट से भी कुछ नहीं हो रहा देन वी कैन टेक द पेशेंट डायरेक्टली फॉर शंट सर्जरीज। और इन सब में एक और इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी कैन डू एट द अर्लियर स्टेज, जब ड्रग्स भी नहीं है हमारे पास, कैन आस्क द पेशेंट टू स्क्वैट और नी चेस्ट पोजिशन। इस पोजिशन में क्या होगा कि देयर इज, जब भी आप स्क्वैट करोगे तो आपकी जो मेजर आर्टरीज हैं वो कंप्रेस होंगी, कंप्रेस होगी आफ्टर लोड बढ़ेगा। आफ्टर लोड बढ़ेगा तो लेफ्ट साइड एलवी का, एलवी के ऊपर आफ्टर लोड बढ़ेगा तो इस साइड पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो शंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी या फिर राइट टू लेफ्ट शंट कम हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट गाइस, जस्ट कीप गोइंग।